हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीएल 23 को लेकर। आईपीएल 23 में बिग चेंजेस जो कि हो सकती है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मिनी ऑक्शन होगी, कुछ प्लेयर्स रिलीज होंगे, तो इस वीडियो में 3 बिग चेंज बताने वाला हूँ जो कि हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन आईपीएल 2023 के सीज़न में, उससे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं टैंगो क्रिकेट, एक ही चैनल होगा। तो चलिए सबसे पहले जो कि बताते हैं, सबसे पहला चेंज जो कि कर सकती टीम वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। इनके जो कि 6 मैचों के लिए कप्तान बने थे आईपीएल 23 में रविंद्र जडेजा, जिनको कप्तानी सौंपी गई थी लेकिन ये खरे नहीं उतर पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कि विवाद भी हुआ था बाद में, जो जहां पर ये आखिरी के मैचेस में बाहर हो गए थे, बताया जा रहा था कि विवाद चल रहा है सीएसके और जड्डू के बीच में, तो ये रिलीज़ हो सकते हैं। जहां पर सीएसके ने मिस्टर आईपीएल को भी नहीं खरीदा था तो जड्डू को भी छोड़ सकते हैं। पंजाब किंग्स की टीम इनको टारगेट कर सकती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सरप्राइजिंगली इनको टारगेट कर सकती है अगर सीएसके की टीम इनको छोड़ती है, लेकिन चांसेस कम है। जब तक धोनी, मुझे लगता है कि नहीं छोड़ेंगे रविंद्र जडेजा को, तो इसलिए अगर आते हैं ऑक्शन में तो ये टीमें इनको टारगेट कर सकती हैं। कम से कम 10 करोड़ का तो पर्स बैलेंस चाहिए इनके लिए, पर्स बैलेंस चाहिए। आपको क्या लगता है अगर ये ऑक्शन में आए तो कौन सी टीम इनको खरीदेगी? अगर मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की टीम, दूसरा बिग चेंज जो कि कर सकती है कायरन पोलार्ड को छोड़कर। कायरन पोलार्ड जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था और मुंबई इंडियंस की टीम का भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, टीम डेविड इनको मिल चुके हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल चुके हैं जो कि कायरन पोलार्ड की जगह खेले थे। आखिरी के मैचेस तो उन्होंने जलवा दिखाया था, तो कायरन पोलार्ड को रिलीज़ किया जा सकता है। अगर रिलीज़ होते तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको खरीद सकती है, राजस्थान रॉयल्स की टीम इनके पीछे जा सकती है, हैदराबाद की टीम भी इनके पास जा सकती है। अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की, अगर वो इनको खरीदते, अगर ये ऑक्शन में आते तो एज ए कैप्टन भी उनको देख सकते हैं। कप्तानी में तो इनका एक्सपीरियंस है इनके पास, फ्रेंचाइजी लीग में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से भी इन्होंने वाइस कैप्टनसी की, कैप्टनसी भी की कई मुकाबलों में, तो इसलिए इनको खरीद सकते। दोस्तों आपको क्या लगता है अगर ये रिलीज़ होते हैं तो कौन सी टीम इनको खरीद पाएगी? पंजाब किंग्स की टीम तीसरा बड़ा चेंज जो कि कर सकती वो है मयंक अग्रवाल को छोड़ सकती है अपने कप्तान को, जहां पर आखिर में मयंक अग्रवाल ने भी कहा था कि कोचिंग में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा रहे, तो ये भी छोड़ सकते हैं केएल राहुल की तरह। तो मयंक अग्रवाल को भी छोड़ा जा सकता है क्योंकि जॉनी बेस्टो और साथ साथ शिखर धवन ओपन करते तो मयंक अग्रवाल ओपनर है, इनको मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। इनको टारगेट कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, हैदराबाद की टीम और गुजरात टाइटन्स की टीम सरप्राइजिंगली इनको टारगेट कर सकती है। गुजरात टाइटन्स के कम चांसेस हैं, कोलकाता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और साथ साथ हैदराबाद के चांसेस भी ज़्यादा, जो कि ओपनर्स के लिए एक तो इनके अभिषेक हैदराबाद के अच्छे थे और उधर वेंकटेश भी अच्छे हैं, तो इनको राइट हैंड बैट चाहिए तो ये खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थे बिग चेंजेस। आपको मैं कर लगता है कि हमें आईपीएल 23 में आगे जाकर कौन से बिग चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं? वीडियो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन जरूर प्रेस करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।